বাপ রে, ওই ওই ওই, এই ইন্ডিকেটরটা তো দেখাবা। সাউন্ড তো করুন ভাই, অ্যাজ ইউজুয়াল। দিয়ে দেখো কি আদিগা ভিনটেজ মডেল। आज हम लोग को पेरिस में घुसने नहीं दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद माय अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सभी अच्छे हो। एंड गाइस, आज जैसे देख रहे हो भाई, मौसम बहुत ही सुहाना है। आज भी बारिश हुआ था लेकिन अभी मौसम बहुत ही सुहाना है। तो गाइस, जई ने फोन किया था, जा रहे है जई को वहाँ पे। भाई ने बोला कि भैया आओ वीडियो बनाएंगे। भाई रोजाना पहले जैसे होता था कि रोजाना जई को वहाँ पे जाते थे, जई अली के वहाँ पे, अभी नहीं होता है भाई, क्योंकि यहाँ से बहुत ही लंबा डिस्टेंस है एंड अपन का भी कुछ काम रहता है ना। एंड पिछले वाले भाई वीडियो में आप लोग देख चुके हो कि पैसा वो रिफंड हुआ था थोड़ा, और भी कुछ रिफंड हो चुका है। तो ये किस्सा खत्म होने के बाद पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिखा देंगे कि कितना रिफंड हुआ है। एंड चलो ठीक ही है भाई, एक ही बात बोलना चाहते हैं कि किस्सा तो एंड हो चुका है स्कैम वाला। तो सुदीप, तो तुमको एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि बिजनेस में आगे ग्रो करो। मैं विश करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई तुम्हारा बिजनेस और भी आगे बढ़े, लेकिन सीधी तरह से बिजनेस करो। ओके, जिसको भी, जिस भाई को भी पार्ट्स बेच रहे हो, लीगल पार्ट्स ही देना भाई। एंड अगर किसी को कॉपी माल देना है तो भाई उसको बोल देना है भाई ये कॉपी माल है। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं किसी का खराब नहीं चाहता हूँ, किसी का खाना नहीं मारना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ो जिंदगी में और भी आगे बढ़ो, यही मेरा विश है। तो फिलहाल गाइस अभी चलो, ये देखो बीएम को निकाल चुके हैं भाई, ये एज यूजुअल रोज क्लीन कर रहे हैं एंड रोज ऐसे हालत हो जा रहा है। तो भाई क्या फ़ायदा, रोज क्लीन करा के फायदा नहीं है। तो आज भी नहीं भाई, इसको वॉश कराएंगे क्योंकि अभी सीजन ही ऐसे चल रहा है। अभी निकलते हैं और आपसे मिलते हैं एकदम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो चलो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। भाई एज यूजुअल मैं बोलता हूँ ना, स्टार्ट करने के टाइम एकदम बहुत ही लाउड साउंड करती है। अभी सब सो रहे होंगे सोसाइटी में, मन ही मन में मुझे गाली पड़ रहा होगा शायद। वही सेम प्रॉब्लम, रेड लाइट ग्रीन कलर है गाइस, तो टायर अभी तक नहीं आया है। बस कल या परसों में तो टायर लगाना ही लगाना है, चेंज करना ही है। सामने फ्यूल पंप है, देखते हैं फ्यूल अप भी कर लेंगे एंड वहाँ पे एयर प्रेशर डाल लेंगे। भाई ये राजाघाट मेन रोड का क्या हालत है, चारों तरफ पैचेस, रोड ही नहीं है। अरे बाप रे, ओए 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 ओए, हाथ का इंडिकेटर टा के देखा बे दादा, अरे इंडिकेटर टा तो देखा बा, साइड दिए जाच्छ तुम तो हठात करे ई करले। हाँ हठात करे तो करले, हमें कि भूल बोल नाकि तुम्हें खुदी गल गया, मेरे ऊपर गर्म हो रहा था, मुझे भी भाई थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो भाई छोड़ो, खाली पीली यहाँ पे टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा, फ्यूल अप भी हो गया एंड एयर भी डाल दिया। भाई ये देखो पीछे के टायर में 42 अभी दिखा रहा है। थोड़ा बहुत टेंशन लगता है कि ज़्यादा एयर प्रेशर होने से भाई पीछे का वो जो गम है ना टायर का, वो निकल ना जाए। निकल जाएगा तो एक बार में हवा निकल जाएगा और वहीं पे मुझे फंसना पड़ेगा बाइक लेके। भाई होगा इस मौसम एकदम सुहाना है भाई, पूरा मजे ले रहे हैं भाई राइड का, सच्ची में बहुत ही मजा आ रहा है। आज इस रोड पे मुझे 200 मारने का कोई शौक नहीं है भाई, आज आराम से जाते हैं। नहीं तो भाई जब भी बाइक निकलते हैं और ये रोड पे जब भी आते हैं ना, ये स्टेज पे 200 मारते ही है। अरे बाप रे, सामने गाय एकदम, ओ बाप रे, सामने मेट्रो स्टेशन अंडर पास। साउंड तो करूंगा ही एज यूजुअल। भाई साहब यार मुझे बहुत मजा आता है, आप लोग सोचोगे कि हीरो भाई एक ही जगह पे बार बार दिखाते हैं ये वाला साउंड, तो भाई मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है। आप लोगों को अगर इरिटेटिंग फील होता है तो सॉरी भाई। बाप रे बाप, सूरज का रोशनी ऐसे आंखों में गिर रहा है ना भाई, ऐसे तो इरिटेटिंग प्लस सीटेड है मेरे हेलमेट में, फिर भी भाई बहुत ही तेज धूप है। हालत देखो, रास्ते में ट्रैफिक देखो भाई, भी तो साइड से निकलना है जैसे भी करके हो, फिर ट्रैफिक में भी गैप मारने में बहुत मजा आता है भाई। सच्ची में मुझे बहुत मजा आता है भाई गैप मारने में। अरे यार किसी का डेथ हो गया, राम नाम सत्य है, दुनिया में तो आना है लेकिन एक दिन सभी को जाना है भाई, किसी को 2 दिन आगे जाना है, किसी को 2 दिन बाद में जाना है, बस वही है। जितना तक जिंदगी है भाई उसे मौज में बिताना है। गाइस बहुत दिन बाद बिल्कुल एक्सप्रेस वे आए भाई, सीरियसली बोल रहे हैं। अभी अप डाउन करते मतलब हावड़ा के साइड में भी जाते तो उसी साइड से जाते हैं माफ बस में। मजा है भाई मजा है, BMW S1000 RR में, वो द अल्टीमेट मशीन भाई।
जैसे कि देख सकते हो अभी रोड साइड में रुके हुए हैं एंड भाई आप लोगों को बहुत साउंड आ रहा होगा क्योंकि एकदम रोड साइड में बिल्कुल एक्सप्रेस वे में। प्लान्स में थोड़ा चेंज हुआ ना कुछ देर पहले कि सही भाई ने बोला कि इधर पे ही आ रहे हैं तो उधर पे जाकर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अंडर राइड के टाइम वो सब साइड ठीक है और ये बाइक एंड वेदर देखो क्लियर ब्लू स्काई। बस भाई लोग का वेट कर रहे हैं कब आएंगे। हो गया मेरा 10 मिनट यहाँ पे वेट कर रहे हैं, होपफुली 5 मिनट में आ जाएगा। तो गाइज वीडियो स्किप मत करना, वीडियो में बने रहना भाई। एंड वो रेड चिली को मतलब रेड BMW S1000 RR को आने देते हैं भाई, तो वो भी कलर मुझे बहुत आई कची लगता है। तो दोनों S1000 भाई सिटी में तबाही करेंगे भाई, वही थोड़ा प्लानिंग है उनका। तो चलो भाई फिर से मिलते हैं आपसे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। जैसे कि देख सकते हो भाई आ गया, आधा घंटा वेट किया, आधा घंटा हाँ मेरा मार दिया आधा घंटा। ओके जिंदगी भर। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, अभी दोनों BM है भाई। ये देखो क्या दिख गया, विंटेज मॉडल बुलेट भाई, पुराने जमाने में देखा करते के जब छोटे उम्र था एंड वो शोले फिल्म, इसको देख के शोले फिल्म का याद आ जाता है भाई, मस्त लग रहा है दादा। ओह बहुत दिन बाद देखे, छोटे उम्र में एक बार देखे थे और आज देखे भाई। ओ गाइस बैकफायर का साउंड सुन पा रहे हो भाई? ओ बाप रे बुड़म बड़म। अरे यार बीच में पोर्टल था भाई, बाप रे ये पोर्टल ज्यादा बड़ा होने से ना अभी हो जाता मेरा कार्बन फाइबर व्हील्स का। अभी हम लोग का प्लानिंग से इको पार्क साइड में जाएंगे भाई, वैसे ही कुछ प्लानिंग बना तो इको पार्क के उधर तो घुसने नहीं देता है। अभी वो एक्सीडेंट के बाद भाई ZX Terrain का इंसिडेंट हुआ था पिछले बार जब गए थे तो भाई गेट बंद, मतलब बाइक्स नॉट अलाउड। ओ माय गॉड भाई क्या साउंड था। मामू देख रहा है किसका साउंड था, घुस गया देख रहा है किसका साउंड था, हम इसलिए तो बंद कर दिए भाई। अब ऐसे करके देख रहा है भाई, इतना जोरों से साउंड हुआ ना, पास में सिग्नल था भाई। अभी पुलिस देख रहा है कहाँ से साउंड आया भाई, ये ऐसे करके ढूंढ रहा है भाई। Here is Eco Park गेट नंबर 1। हाँ भाई क्या सीन से गाइस, देखो अभी कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है एंड क्या सीन से, बहुत ही मजेदार सीन से भाई, मन खुश हो गया। अंदर घुसना दे रहा है इको पार्क के अंदर? ना ना क्या ना रे जानी ना, गेट खुली थी भी चल ना, एक तू गेट खुली तो चाबी नहीं चा। तो कंटेंट क्या होगा बोरा आईफिल टावर, आज हम लोग को पेरिस में घुसने नहीं दिया। ए ए अभी शायद एंटर करने दे रहा है भाई, वाह बहुत अच्छा है, वाह जाइए पीछे करके लगा ना, पीछे करके लगा এটা তো জায়গা না না ওইটার বাদ কে বলো তো। ये जगह है ट्रैक है, कोई कोई इसको ट्रैक समझ लेता है, उड़ा दिया बस। सो गाइस जैसे कि देख रहे हो हम लोग आ चुके हैं भाई ये जो टावर है यहाँ पर एंड बहुत ही अच्छा सीन से आज इको पार्क में। हमने तो सोचा था कि बारिश मिल जाएगा क्या है, लेकिन क्लियर वेदर है, क्लियर स्काई है एंड यहाँ पर पिक्चर क्लिक्स एंड बहुत रील्स रहेंगे। और अभी जाहिर भाई को देखो कंपैरिजन बिटवीन द चार्जर साइकिल एंड BMW S1000 RR भाई बोल रहा था, चलो भाई एक्सचेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो BMW S1000 RR के साथ एक्सचेंज, इसमें भाई तेल भी नहीं डलाना पड़ता, तेल भी नहीं डलाना पड़ता भाई, एक्सचेंज करेगा BMW S1000 RR के साथ। गाइस ओ नाइस भाई, अबे अबे ये कितना अच्छा है भाई, विदाउट हेलमेट चलाना पड़ता है भाई, हेलमेट पहनने का जरूरत नहीं है। बाप रे ये क्या कर रहा है भाई, सुनो ये सबसे बढ़िया चीज है हेलमेट नहीं लगता है भाई। अभी पूरा विश्व बंगला पूरा न्यूटन ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यूटन एक्सप्लोर कर रहे हो गाइस, बहुत ही अच्छा कंपैरिजन हो गया, ये फार बेटर है, इसमें हेलमेट नहीं लगता है भाई, पेट्रोल नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, एक्सचेंज करेगा तू? हम उतना भैया
सो भाई लोग चलो इको पार्क से निकल गए, अभी हम लोग जाएंगे पार्क सर्कस की तरफ, एक कैफे में जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे भाई, बातचीत करेंगे एंड उसके बाद मैं अपने घर, जहीर अपने घर। ऐसा मौसम रहने से ना वीडियो करके भी मजा आता है यार, बाइक लेके घूम के भी मजा आता है भाई। और भाई एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर बाइक लेके स्पीड अप करने का मन करे ना, कि थोड़ा भगाने का मन करे, तो जहाँ पे प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे बाइक भगाओ विथ प्रॉपर गियर्स भाई एंड हेलमेट, बट इन नॉट इन दिस प्लेसेस भाई। कितने दिन से बंद था भाई, अभी भी पूरा इको पार्क आप बाइक लेके नहीं घूम सकते, मतलब पीछे वाला जो रास्ता था बस ये टावर तक आने दे रहा है, एफिल टावर तक, ये बहुत है हम लोग के लिए कि चलो पिक्चर वगैरह तो क्लिक कर सकते हैं। वही मेरा रिक्वेस्ट है, जहाँ पे स्पीड अप करने का जगह हो वहाँ पे भगाओ भाई, बहुत सारे हाईवेज है बाहर में, एक्सप्रेस वे है, तो वहाँ पे करो फिर ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत ही बुरा एक दो एक्सीडेंट हुआ था। सो गाइस हम लोग कैफे में गए, थोड़ा चिल आउट किए एंड भाई देन जहीर अपना घर चला गया एंड मैं अपना घर आ गया भाई। और आते वक्त और रिकॉर्डिंग नहीं किए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, मैं वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता था। तो चलो भाई वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना है, एंड जैसे सपोर्ट कर लो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। तो फिलहाल कल अपने कार को देखने जाने वाले कि ये क्या हालत में है, एग्जॉस्ट लगा है कि नहीं पता नहीं भाई, एग्जॉस्ट का काम तो शुरू हो जाना चाहिए भाई, हो भी सकता है आज शुरू हो गया है, अगर कल एग्जॉस्ट का काम खत्म हो गया तो बहुत ही एक्साइटिंग वाला वीडियो आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज जैसे मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचा दो भाई। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना एंड हंसते रहना भाई।